हाय एवरीवन, आज की रेसिपी है न्यूट्रिशियस मिलेट दलिया या मिलेट खिचड़ी भी आप इसको बोल सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस है, रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगते हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना न्यूट्रिशियस दलिया। यहाँ पे मैंने ली है 1/4 कप मूंग की दाल बिना धुली, 1/4 कप मिलेट, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, और ये है दलिया जो नॉर्मली हमारे घरों में होता है, और 1/5 कप है चावल और 1 स्पून के करीब चने की दाल। तो नमक, मिर्च, हल्दी, ये नॉर्मल मसाले, थोड़ी सी अदरक, और अपना जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। और साथ में हमें चाहिएगा 1 टेबल स्पून घी और 1 टी स्पून जीरा और थोड़ी सी हींग। तो देखिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट है और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो और ये जो जितना मैंने आपको दिखाया है इंग्रेडिएंट, उससे आपके 4 कटोरी जो है आपका जो दलिया बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने चॉप कर लेना है जिंजर को और ग्रीन चिलीज़ को भी, और फिर घी को डालेंगे प्रेशर कुकर में गर्म होने के लिए। तो अच्छे से घी को गर्म हो जाने दें। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए आपका, तब उसमें हम डालेंगे जीरा, और भी अगर कोई आपको खड़ा मसाला ऐड करना है जैसे तेज पत्ता या लौंग, काली मिर्च, तो आप वो भी डाल सकते हैं, और साथ में ही डाल देंगे हींग को। और जीरे को अच्छे से चटक लेने दें, जब वो भूरे रंग का हो जाए, थोड़ा सा चटक कर मोटा मोटा हो जाए, तभी हम फिर इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो अब हम डालेंगे इसमें अदरक, अदरक को भी थोड़ा सा हम पका लेंगे घी में, ताकि इसका जो स्वाद है और जो खुशबू है वो अच्छे से बाहर निकल के आए, और उसके साथ फिर हम डाल देंगे ग्रीन चिलीज़ को। तो चिलीज़ यहाँ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें, जितना तीखा आप खाते हैं। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिलीज़ को स्किप कर दें। और अब हम इसमें डालेंगे जितने भी हमारे सूखे अनाज हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्योरिटी है आपकी दाल में, हो सकती है, तो आप उनको एक बोल में इकट्ठा करके अच्छे से वॉश कर लें, और उसके बाद फिर इसमें डालेंगे हम। तो क्योंकि मैंने इनको अच्छे से साफ़ किया हुआ है, बिल्कुल किचन टॉवल से पोंछ के भी रखा हुआ है, तो इसलिए मैं बिना वॉश के इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप सीधा पैकेट से निकाल के यूज़ ना करें, उन्हें एक बॉल में इकट्ठा करके सब चीज़ों को इकट्ठे से धो लें एक बार। और अब इसको हम थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे, आँच को मीडियम कर लेंगे और इसे थोड़ी देर चला चला कर थोड़ा सा भून लेंगे सब चीज़ों को एक साथ। इससे जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया निकल के आता है। और फिर उसके बाद हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे। तो कुछ सेकंड के लिए एक बार फिर से चला लेते हैं इसको अच्छे से, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भी भून जाएं घी के साथ। बस कुछ सेकंड के लिए, ये आधा मिनट आप बोल सकते हैं, मसालों के साथ इसको हम चला लेंगे। और फिर इसमें 4 गुना जितना भी हमारा जो ये अनाज का बॉल में आप देखेंगे, तो उसका 4 गुना आपने पानी डाल। तो मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग एक एक अनाज डाला है, आप उन्हें एक बोल में इकट्ठा ही कर लें, वॉश कर लें, और फिर उसके अंदाज़े के हिसाब से आप 4 गुना पानी डालें। अब ढक्कन लगाएं प्रेशर कुकर पे और गैस को फुल कर दें, और जब 1 विसल आ जाए तो 10 मिनट के लिए गैस को सिम कर दें, और उसके बाद प्रेशर को अपने आप निकलने दें। और जब आप इसे खोल के देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो अगर आपको इस ये लग रहा है थिक है और आपको चाहिए पतला, तो थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा ऐड कर लें, और फिर जब सर्व करें तो उसमें 1 चम्मच घी डाल के सर्व करें।
ये आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर दें, ये खाने में ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये था हमारा मिलेट दलिया। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस रेसिपी है और बहुत ही इजी भी है, ये आपने देख लिया। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें बेल आइकन के साथ। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं इन पे क्लिक करके ज़रूर देखें, ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी।